300 करोड़ रुपए का गबन करने वाला फ्रॉड बन गया बाबा। वृंदावन में सालों करता रहा राधे राधे, पुलिस को नहीं लगी भनक। फिर फ्रॉड ने की ऐसी गलती जिससे पुलिस ने खोल दी नकली बाबा की पोल। पहले महाराष्ट्र में बैंक खोला, फिर जनता को पैसे कई गुणा करने का लालच देकर 300 करोड़ रुपए जमा कराए, और जब जनता को पैसे वापस देने का नंबर आया तो बैंक का करता धरता फरार हो गया। जनता ने बैंक पर ताला देखा तो हल्ला बोल दिया। पुलिस आरोपी को ढूंढने लगी, लेकिन उसे आरोपी तो क्या, उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर अचानक पुलिस को ऐसी सूचना मिली जिससे आरोपी का पर्दाफाश हो गया। 300 करोड़ का गबन करने वाला आरोपी मथुरा के वृंदावन में नकली बाबा बनकर रह रहा था। वह कृष्ण बलराम मंदिर में राधे राधे कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे बाबा की वेशभूषा में गिरफ्तार कर। महाराष्ट्र की क्राइम ब्रांच पुलिस आई थी, उनके और वृंदावन के ज्वाइंट ऑपरेशन में शिवाजी नगर थाना का मुकदमा था 360। उसमें एक अपराधी थे बबन विश्वनाथ, उनको ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनको थाना में दाखिल करके जो बीड क्राइम ब्रांच की जो पुलिस थी उनके द्वारा माननीय न्यायालय से रिमांड ट्रांजिट रिमांड लेकर के उनको महाराष्ट्र ले जाया गया है। बाकी विस्तृत जानकारी जो है वो बताएंगे कि इसमें वो था गबन का कितना था, लेकिन जो मुकदमा संख्या में जिन्होंने उसको दाखिल कराया है वो प्रथम दृष्टया वो गबन का ही है। 420, 406, 409 का अपराध है। विस्तृत जानकारी जो है वो महाराष्ट्र पुलिस के पास। हाँ, ये जो इसको गिरफ्तारी की गई थी ये हमारा कृष्ण गोपाल मंदिर के पास से गिरफ्तारी की गई थी। ये बेस बदल के यहाँ पर रहा था, एक उनके टिपाप थी, उन्होंने हमसे सहायता मांगी थी, उनको हमने पुलिस सहायता उनको दी थी। उनको गिरफ्तारी करने में वृंदावन पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में किया था, सफलतापूर्वक गिरफ्तारी की। जी हाँ, महाराष्ट्र से 300 करोड़ रुपए के गबन के गिरफ्तार आरोपी की पहचान बीड जिले के निवासी बबन विश्वनाथ शिंदे के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बीड जिले से पुलिस की टीम बबन शिंदे की गिरफ्तारी के लिए मथुरा आई थी। काफी तलाश करने के बाद वह कृष्ण बलराम मंदिर यानी अंग्रेजों के मंदिर के निकट साधु वेश में घूमता मिला। पुलिस ने बताया कि छानबीन में जानकारी मिली कि आरोपी शिंदे मथुरा में करीब एक साल से साधु के वेशभूषा में रह रहा था। महाराष्ट्र पुलिस की टीम उसे यहां मंदिर, आश्रमों, होटल, गेस्ट हाउस आदि में तलाश कर रही थी। पुलिस के अनुसार शिंदे वेशभूषा बदल कर रह रहा था। महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने मथुरा पुलिस की अपराध शाखा एवं वृंदावन पुलिस का सहयोग लिया तो आरोपी जल्द ही मिल गया। नकली बाबा यानी शिंदे पर आरोप है कि उसने महाराष्ट्र के बीड जिले की जिजाऊ मां साहेब मल्टी स्टेट बैंक में जमाकर्ताओं के 300 करोड़ रुपए का गबन किया और वहां से फरार हो गया। उसके बाद वह साल भर से वृंदावन आकर साधु के वेश में रह रहा था। शिंदे के खिलाफ महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में भी गबन के कई मामले दर्ज हैं जिनमें वह वांछित चल रहा था। पुलिस ने अदालत में पेश कर उसका ट्रांजिट रिमांड हासिल किया और फिर उसे वापस महाराष्ट्र ले गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।